गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस एक्सरसाइज में अपन ये फाइंड आउट करेंगे मीन के साथ ही मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं और मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मोड मीन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कोई भी कितने भी आपको एक नंबर दे रखे हैं उसमें कोई भी एक डिजिट है वो कितने टाइम्स है, यानी जो सबसे ज्यादा टाइम्स होगी उसको अपन मानेंगे मोड। और नेक्स्ट बात आती है मीडियन की। मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, कि या तो आप डायरेक्ट मीडियन फाइंड, पहले आप जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी मिडल टर्म होगी आपकी, यानी जो मिडल में नंबर होगा लास्ट और फर्स्ट क्रॉस करते जाएंगे अपन, जब मिडल टर्म बचेगी वही आपका आंसर होगा। तो अपन फाइंड आउट करेंगे मीडियन से, और मीडियन आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपका होता है n बाय टू इफ इवन नंबर एंड n प्लस 1 बाय टू इफ ऑड नंबर। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज का है 3.2 का क्वेश्चन है आपका, द रन्स स्कोर इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज फॉलो। यानी 11 प्लेयर्स है, उन्होंने एक क्रिकेट मैच में इतने स्कोर्स लिए हैं, क्या क्या स्कोर्स किए, देखिए 6, 15, 120, देन 50, देन 100, देन 80, 10, 15, 8, 15, 10, 15, 8, 10 and 15। ठीक है, ये नंबर्स आपको गिवन है और क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, इज देयर मोर द दिस मीडियन ऑफ दिस डेटा। आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है फर्स्ट, सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है मोड, और थर्ड आपको फाइंड आउट करना है मीडियन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी नंबर्स आपको गिवन है आप क्या करेंगे, इन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग, यानी जो सबसे स्मॉल है वो फिर उससे बड़ा 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 ऐसे करके सारे नंबर अपन अरेंज करेंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी डिजिट अगर वापिस आ रही है तो आपको उसको लीव नहीं करना है, आपको एज इट इज जितने टाइम से आप उसको लिखना है। कैसे देखिए, और जैसे जैसे आप डिजिट लिखते जाएंगे ना, आप उन डिजिट को क्रॉस करते जाएंगे। क्रॉस किस लिए करेंगे, हम क्रॉस इसलिए करेंगे ताकि कोई भी डिजिट अगर पीछे रह जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ये डिजिट नहीं लिखी है। तो सबसे देखिए, सबसे स्मॉल डिजिट आपको क्या लिख रही है, 6, तो क्या लिखेंगे आप, असेंडिंग ऑर्डर 6। ठीक है, 6 को क्रॉस कर दिया हमने। नेक्स्ट आपकी आएगी 8, कौन सी आएगी 8, देन 10, देन 10, उसके बाद 15, देन 15, देन 15। ठीक है, इसके बाद आएगी आपकी 50, देन 80, देन 100 और देन 120। ओके, जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट लिख दी है, हमें पता चल गया है कि अब कोई भी डिजिट, देखिए सारी डिजिट अपन की क्रॉस हो गई है, दैट मीन्स हमने एकदम करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर लिखा है, इसमें कोई भी अपन ने मिस्टेक नहीं की। और सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है मीन, फाइंड आउट करना है मीन का आपको पता है, अपन ने पहले भी फाइंड आउट किया था, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी सम करना है आपको ऑब्जर्वेशन को, और आपको अपॉन में क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए सम किस किस को करेंगे अपन, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 100 एंड 120। अपन क्या लिखेंगे, ये आ गई अपने पास डिजिट। ठीक है, अब
देखिए आपके डिजिट्स नंबर ऑफ टोटल नंबर का मतलब क्या था, आप इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 11 डिजिट है, नंबर कितना हो गया आपका 11। अब क्या करना है आपको, इन सबको सम करना है, ऐड करना है आपको। देखिए 6 और 8 14 14 और 5 19 24 29 29 का 9 यानी आपका मीन क्या आया है, मीन आपका आ गया है 39। समझ में आया आपको कैसे फाइंड आउट किया अपन ने, इन सबको एड में लिखा, सम के रूप में लिखा, अपॉन में क्या कर दिया 11 कैसे आया कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी ये टोटल नंबर कितने हैं 11। इनको ऐड करने पे क्या आया अपने पास 429। ओके, किससे डिवाइड किया है अपन ने 11 से, तो आपका आंसर क्या आएगा 39। यानी 39 क्या है आपका मीन है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा मोड कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे। मोड मैंने आपको पहले बताया था कि मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो भी नंबर जो असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किए हैं, ठीक है ना, आप उसमें से देखेंगे कि कौन सा जो नंबर है वो ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है, वही आपका मोड होगा। क्योंकि इसका मतलब ही होता है मोड का हाईएस्ट नंबर टाइम। देखिए 6 1 टाइम है, 8 1 टाइम है, 10 2 टाइम है, 15 1 2 3 टाइम है, ये सब 1 टाइम है। दैट मीन्स आपका मोड क्या हुआ 15। क्या हो जाएगा आपका मोड 15। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपसे पूछा है मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन। मीडियन का मतलब होता है कि जो बीच की डिजिट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप फर्स्ट डिजिट को क्रॉस करेंगे, देन लास्ट डिजिट को करेंगे, फिर फर्स्ट को, लास्ट को, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, क्या बचा है आपके पास 15। यानी बीच में जो डिजिट रह जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि n बाय 2 करके, n बाय 2 मीन्स अगर आपका ये इवन नंबर है तो आप n बाय 2 कर देंगे, से n बाय 2 अगर करते हैं, n बाय 2 किसके लिए है, इवन नंबर के लिए। लेकिन जब अपन ने इनको काउंट किया था तो ये कितने हुए थे 11, दैट मीन्स ये ऑड नंबर है तो n प्लस 1 यानी कि 11 प्लस 1 बाय 2 कितने हो गए 12 बाय 2 यानी कि 6। अब ये 6 इज नॉट योर आंसर, 6 मीन्स आपको यहां से काउंट करना है असेंडिंग ऑर्डर को 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस पे जो डिजिट है आपकी वो आपका आंसर है। समझ में आया आपको कैसे किया। अब ये नंबर कितने थे 11, इसलिए अपन ने फॉर्मूला क्या लिया n प्लस 1 बाय 2, क्योंकि जो ऑड नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 11 थे अपने पास, 11 प्लस 1 बाय 2 12 बाय 2 यानी 6। 6 जो है वो आपका आंसर नहीं है। 6 क्या करना है आपको, यहां से आपको काउंट करना है असेंडिंग ऑर्डर में जो आपने अरेंज किया था वहां से आपको काउंट करना है 6 प्लेस, यानी 6 प्लेस पे जो डिजिट है वही आपका मीडियन है। अब अगर ये इवन नंबर होते तो आप फॉर्मूला क्या लगा देते, n बाय 2 डायरेक्ट, जैसे 10 होते तो 10 बाय 2 यानी कि 5 मतलब फिफ्थ प्लेस पे जो डिजिट होगी वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, बस आपको ये तीन ही चीजें पूछी है, किसी में 2 पूछी है, किसी में 3। मीन आपको पता है कैसे, मीन मीन्स एवरेज, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी फॉर्मूला लगाना है सीधा सा आपको और फाइंड आउट हो जाएगा। मोड मीन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जितनी बार कोई भी एक डिजिट सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, जितनी ज्यादा बार जो डिजिट रिपीट हुई है वही उसका मोड होगा। देन मीडियन के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप फर्स्ट लास्ट जिसको कट करते जाएंगे जो डिजिट लीव रहेगी वो आपका मीडियन होगा। आई होप यू ऑल आर क्लियरली अंडरस्टैंड प्रॉपरली।
वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे.